सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। तुम नहीं जानती स्थिति कि मुझे तुम्हें ये सब कहते हुए कितनी तकलीफ हो रही है, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर के लिए सब करना होगा। तुम्हारे और माया के साथ किए गए पाप का प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा। देर से ही सही, पर हमारा प्लान असर तो दिखा रहा है। माया, अभी जो कुछ भी नीचे, माया माया होश में तो हो तुम? ये क्या कर रही हो? हमारे होने वाले बच्चे की जान ले रही थी तुम। तो क्या करें हम विनायक? एक बिना बाप के बच्चे का इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। कौन देगा इसे अपना नाम? कौन देगा इसे बाप का प्यार? आप तो सिद्धि की यादों से ना कभी उसके प्यार की दुनिया से बाहर आ पाएंगे और ना ही कभी हमें हमारे बच्चे को स्वीकार कर पाएंगे। ऐसे में इस बच्चे का मर जाना ही अच्छा है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस सब का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। अपने होने वाले बच्चे को बाप का नाम और प्यार दोनों दूंगा मैं। भुला दूंगा सिद्धि को, उसकी यादों को। बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और कैसे विनायक, आज भी सिद्धि की यादें आपके दिल और दिमाग में जिंदा है और शायद हमेशा रहेंगी। ऐसे में कैसे पीछा छुड़ाएंगे आप उसकी यादों से? कैसे हमें हमारी खुशी देंगे, हमारा अधिकार कैसे देंगे विनायक? मैं जानता हूं माया, मुझे अब क्या करना है। बिचारी सिद्धि आखिर फंसी गई माया के मायाजाल में। अब देखते हैं सिद्धि क्या करती है, अपने प्यार की कुर्बानी देती है या फिर अपनी बहन के बच्चे को उसका हक देती है। रिपोर्ट्स है, इससे साबित होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और इसमें डीएनए रिपोर्ट्स भी है जो ये कह रही है कि हमारी कोख में जो बच्चा है वो आपका ही है। मुझे तुमसे अपनी शादी का एक गिफ्ट चाहिए। मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी अपनी आंखों के सामने। उसके बाद ही मैं माया से शादी करूँगा। क्या हुआ? क्या बात है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुमने मुझे कल सुबह तक का वक्त दिया था ना, लेकिन मैंने अभी फैसला कर लिया। मैं मंदिर में रखी इस जोत पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो भी आपकी और गोरी मैम की शादी से पहले।
अगर ये बात है तो ठीक है, मैं भी माया से शादी करने के लिए तैयार हूं। और ना ही सिर्फ उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, बल्कि उन्हें अपना पूरा प्यार भी दूंगा। वाह, एक तीर से दो निशाने, मतलब अब विनायक हमेशा के लिए हमारे, और सिद्धि की शादी के बाद वो भी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर। विनू, इतनी रात गए शंखनाद, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मैंने एक फैसला लिया है दतिया, और वो फैसला ये है कि इस घर में मेरी और माया की शादी होने से पहले एक और शादी होगी। किसकी? रंगीली की शादी। शिव 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 शिव, दिमाग खराब हो गया है तेरा? तू जानता भी है तू जो कह रहा है उसका उसका अर्थ क्या है? हाँ विनू बेटा, देख तेरी और माया की शादी के लिए तो हम लोग तैयार हैं, वो तो हम हमेशा से चाहते थे, लेकिन अचानक से तुझे इस नौकरानी की शादी का ख्याल कहाँ से आया? हम बात कर रहे हैं ना विनू से, रंगीली ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ये सब? बाबू सच कह रहे हैं दादी, हम शादी करना चाहते। ये सब भी जरूर इसी का कोई खेल है, करना क्या चाहती है ये? शादी करना चाहते हैं? तुम दोनों ना अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हो। विनू और माया के विवाह के लिए हमने बेमन से हामी भर दी थी, लेकिन रंगीली की शादी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये कोई उचित समय भी नहीं है। दतिया, मेरी बात का विश्वास कीजिए दतिया, मैं जो करने जा रही हूं उसी में सबकी भलाई है। हाय हाय हाय, भला इस नौकरानी से शादी करने में किसकी भलाई होगी? अरे भाई, अगर रंगीली शादी करना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब नौकरानी है तो क्या हुआ, इसके भी तो कुछ अरमान होंगे। बधाई हो रंगीली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हम खुद करेंगे। तुम्हें अपने हाथों से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाएंगे और इस घर से विदा करेंगे। सगी बहन ना से, पर हो तो हमारी बहन जैसी ही ना, है कि नहीं रंगीली? विनायक, आपने कहा था ना कि रंगीली बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे घर के सदस्य की तरह है, इसलिए हमने सोचा है कि रंगीली का कन्यादान हम और आप मिलकर करेंगे। बोलिए ना विनायक, करेंगे ना आप हमारे साथ रंगीली का कन्यादान? हाँ माया।
ऐसा कन्यादान करूंगी कि इसे जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने एक फैसला लिया था दिया, और वो फैसला ये है कि इस घर में मेरी और माया की शादी होने से पहले एक और शादी होगी। किसकी? रंगीली की शादी। बाबू सच कह रहे हैं दादी, हम शादी करना चाहते। तुम्हारी इस निर्णय का कारण जान सकते हैं? क्योंकि हम जिस सिद्धि को जानते हैं वो अपने पति की पूजा करती है, वो अपने पति के प्यार में पूरी तरह से समर्पित है, वो ऐसा निर्णय कभी नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये निर्णय इसलिए लिया है कि तुम वीनू को गुनहगार समझ लो। ऐसा नहीं है दादी, आप जानते हैं कि विनायक बेकसूर, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमें पहाड़ी से धक्का देने वाले विधायक ने कोई और था दादी। कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे आंखों से पट्टी तो उतरी, क्योंकि ये सत्य तो हमें पहले से ही मालूम था। हमारा वीनू किसी की जान लेने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन बिटिया, अगर तुम्हें पता है कि हमारा वीनू निर्दोष है, फिर इतना कठिन निर्णय क्यों लेना पड़ा तुम्हें? दादी, प्यार का सच्चा मतलब तो त्याग होता है। हम जानते हैं कि हमारी बहन गलत, लेकिन दादी, हम विनायक के बच्चे की जिंदगी में दुख नहीं देख सकते। माया के कोख में पल रहा अंश विनायक कह देती, इसका कवारिस मासूम के साथ ना इंसाफी कैसे होने दे सकते हैं दादी, जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं। हम जानते हैं दादी, विनायक हमसे बहुत प्यार करते, और जब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, वो माया से कभी शादी नहीं करे, वो उसे और उसके बच्चे को कभी नहीं अपनाए। इसलिए चाहते हुए भी हमें एक कदम उठाना पड़ रहा था दादी। आपने हमेशा हमारा साथ दिया दादी, और हम जानते आपके आशीर्वाद के बिना हमारा एक कदम कभी पूरा नहीं हो सकता। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने इस काम में सफल हो जाए। इतना बड़ा त्याग कर रही हो बिटिया, लेकिन क्या वीनू के अलावा किसी और के साथ विवाह करना तुम्हारे लिए संभव होगा? क्या संभाल पाओगी स्वयं को? सिद्धि सिर्फ विनायक की आदत है, और उन्हीं की रहेगी। मतलब उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा दादी, सही वक्त आने पे हम आपको सब कुछ बता देंगे। शिव 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 शिव। रुके आप लोग, अरे अंदर नहीं जा सकते आप लोग, रुके रुके आप लोग, अरे रुके, कैसे अंदर जा रहे? अरे काका हटो साइड, अंदर कैसे, अंदर कैसे, अरे कौन हो, बाहर निकलो बाहर निकलो। राठौर कौन है ये लोग, पर ऐसे कैसे बिना इजाजत घर के अंदर घुस रहे? सॉरी सर, मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, जबरदस्ती अंदर आ गए। अरे कौन हो, इस तरह हमारे घर में कैसे चले आए? हम आए नहीं है माता जी, हमें तो बुलाया गया है। क्या बकवास है? हाँ, हम लोग रंगीली से मिलने आए हैं।
रंगीली से? रंगीली से क्यों मिलना है? शादी के लिए मिलने आए हैं उससे, लड़का ढूंढ रही है ना वो अपने लिए। शादी? क्या बकवास है, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? मन्नू, इन्हें हमने बुलाया। सुषमा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, ये क्या बेहुदा मन है? आप इतनी नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे सोचने का विषय तो ये है कि जब रंगीली हमारे विन्नू के लिए शादी के रिश्ते लेकर लड़कियों को यहाँ घर पे बुला सकती है, तो क्या हम उसके स्वयंवर के लिए इन योग्य वरों को घर पे नहीं बुला सकते? लेकिन बुआ जी, इन लड़कों की शक्ल और हैसियत तो देखिए, इनसे कराएंगे आप रंगीली की शादी? माया रानी, तुम तो बड़ी भोली हो, लगता है तुम भूल रही हो कि हमारी रंगीली एक मामूली सी नौकरानी, किसी रियासत की महारानी या राजकुमारी नहीं है, जो उसके लिए आसमान से सफेद घोड़े पे सवार होके कोई राजकुमार या महाराज आएगा। बस बुआ जी, ये सब आप क्या बोल रही है? और तुम लोग निकलो यहां से, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही, निकलो। मिन्नू, अरे क्या कर रहा है बेटा, क्यों इन्हें निकाल रहा है तू? अरे जिसके लिए ये सब लड़के आए हैं, कम से कम उससे तो एक बार पूछ ले, हो सकता है कि इनमें से कोई लड़का रंगीली को पहले ही नजर में पसंद आ गया हो। तो हम पूछ लेते रंगीली। बेटा रंगीली, एक मिनट, हमारे साथ देखिए, बता हमें, तू दिल खोल के बता सकती है अगर इनमें से तुझे कोई भी पसंद है? एक से एक हीरे जैसे लड़के बुलवाए हमने तेरे लिए, हाँ सबके सब तेरी औकात के। अच्छा अच्छा, तो ये है रंगीली, क्या बात है, देखने में तो ठीक ठाक है। शादी वाला सामान नहीं लग रहा है। खैर कोई नहीं, टाइम पास के लिए तो ले ही जा सकते हैं। हाथ छोड़ रंगीली का। अरे जाने दो ना साहब, क्या करोगे इसका, अरे हमारे साथ रहेगी तो ऐश करेगी ऐश। लगता है तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हाथ कैसे लगाया तूने? बाबू रुक जाइए, छोड़ दीजिए उसे, वो मर जाएगा। बाबू मेरी बात सुनिए, आपको मेरी कसम, चलो भागो यहाँ से, आराम से चलो, निकलो यहाँ से, लेके जाओ। शर्म आनी चाहिए आपको इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए, सोच भी कैसे लिया आपने, मैं से किसी भी अरे गरे लड़के से रंगीली की शादी करा दूंगा? शिफ 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 सुषमा, फिर कभी ऐसे नीच कार्य करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निकले थे, लेकिन सच ही कहते हैं बड़े बूढ़े कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पहाड़ पे जाए रंगीली पंगीली। आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने रंगीली के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो लोग आज शाम को रंगीली को देखने आ रहे हैं। जागृति, रंगीली को लेकर उसके कमरे में जाओ। जी भाई। yeah.
कमाल है, इतनी जल्दी विनायक ने लड़का भी ढूंढ लिया। और आखिर है कौन ये? रंगीली, तुम ना बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना, वो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। जानती हूँ, सच बताऊं तो मुझे उनकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। रंगीली, तुम ना बहुत प्यारी हो, एंड आई एम श्योर जिस भी लड़के से तुम्हारी शादी होगी ना, वो बहुत लकी होगा। अच्छा चलो बताओ, तुम किस टाइप का लड़का ढूंढ रही हो? आई मीन तुम्हारे हिसाब से कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो लंबा हो, खूबसूरत हो, जिसका चरित्र पानी की तरह साफ। जो औरत की इज्जत करना जानता। जवानी इतनी सर चढ़ रही है तो एक मौका मुझे भी दे दे। अब मैं देता हूं तुझे मौका। जो औरत को बराबरी का दर्जा देने में विश्वास करता। मैं आपका कल भी सम्मान करता था और आज भी करता, पर मैं अपनी पत्नी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जिसके लिए प्यार एक समर्पण हो, जो प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल विनु भाई जैसे लड़के की क्वालिटीज बता रही हो। अरे भाई, आप लड़कों वालों का फोन आया था, वो लोग रंगीली को देखने आ रहे। अरे विनु भाई, कम से कम हमें उनकी फोटो तो दिखा दीजिए। फोटो तो नहीं मेरे पास, आई मीन जैसी वो भेजते मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम भी देख लेना और रंगीली को भी दिखा देना। मैं लड़के की फोटो देख के क्या करूंगी? नहीं रंगीली, तुम्हारे लड़के को देखना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आगे की पूरी जिंदगी बितानी, उसकी फोटो देखने का हक है तुम्हें। और वैसे भी मैंने भी अभी तक लड़की की फोटो नहीं देखी, तो आई डोंट नो कि लड़का कैसे। लेकिन विनु भाई, रंगीली को तो आप जैसा लड़का चाहिए शादी के लिए। जागृति, जरा इधर आओ। आई दादी, आप मैं अभी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.